जब एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग क्वेश्चन 2 तक बता दें, क्वेश्चन 3 में देखो बोला कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन एंड ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5 डिफाइंड ए एंड बी, ए एंड बी इसका एंड पढ़ा जाता है, एंड बी इक्वल मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है, मतलब ए आर बी में जो मिनिमम है जो कम है ठीक है वो तुम्हारे ए एंड बी के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर एंड क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। राइट डाउन द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन एंड, इसका ऑपरेशन टेबल हमको बनाना है। तो टेबल कैसे बनाया जाता है, देखो तुमको जिस सेट से जिस सेट में ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, तुम्हारे किस में हो रहा है, इस सेट से इसी में ऑपरेट, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सेम सेट से सेम सेट में ऑपरेशन होता है। तो 1 2 3 4 5 हम क्या लिखेंगे, रो में लिखेंगे और इसको कॉलम में भी लिखेंगे, और दोनों का बीच में इधर हम ये दे देंगे, ऑपरेशन को लिख देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ए एंड बी, अब अपने से थोड़ा सोचो, ए एंड बी का मतलब है मिनिमम ऑफ ए बी, मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है। तो चलो अब 1 1 एंड 1, ठीक है, 1 एंड 1 इसको ऑपरेट करेंगे, 1 को 1 के साथ मिनिमम ऑफ 1 1 और 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। 2 एंड 1 2 एंड 1, ठीक है। तो मिनिमम 2 और 1 में ये फंक्शन कैसा है, 2 और 1 का जो मिनिमम वैल्यू पर ऑपरेट करता है, मैप करता है, 2 और 1 का मिनिमम कौन है, 1 है, ठीक है। उसी तरह 3 एंड 1, 3 और 1 में कौन मिनिमम है, 1 है। 4 एंड 1 में कौन मिनिमम है, 1 है। 5 एंड 1 में कौन मिनिमम है, 1 है, ठीक है। तो 1 एंड 1 1 हुआ, 2 एंड 1 1 हुआ, 3 एंड 1 सब इस सब क्या है, 1 ही है। उसको 2 एंड 2 2 और 2 में मिनिमम कौन है, 2 है ना। 1 एंड 2 ये दोनों मिनिमम कौन है, 1 है। 3 एंड 2, ठीक है, 3 एंड 2 3 के साथ 2 में ऑपरेट करेंगे क्या होगा, 2 होगा। 4 एंड 2 2 होगा, 5 एंड 2 2 होगा, इस तरह से ऑपरेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा टेबल बनना है, बाकी 3 2 को बता दे, 3 को अपने से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो यहाँ पर तुम्हारा टेबल दे दिया, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीपल टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल, इसमें क्या दिया है टेबल, कॉम्प्यूट ये तुम्हारा टेबल दे दिया है, ठीक है, कॉम्प्यूट 2 star 3 bracket star 4, इसको वैल्यू निकालना है, 2 star 3 bracket फिर क्या है star 4 है 2 2 star 3, हमको देखना है 2 star 3 2 star 3, मतलब 2 से 3 में ऑपरेट करने पर क्या है ना, 2 से 3 में स्टार में ऑपरेट करने पर क्या आया, 1 आया, 1 लिखे हम, ठीक है, 1 इसका वैल्यू हो गया 1 और स्टार 4 1 स्टार 4, देखो 1 1 का साथ ऑपरेट हुआ इसको, 4 का क्या हुआ, 1 आया, ठीक है, 1 का साथ स्टार, 1 स्टार के साथ ऑपरेट हुआ 4 का, तो क्या आया, 1 आया, ठीक है। इस तरह कंप्यूट जिस तरह इसको कंप्यूट किया उसी तरह तुम लोग इसको कंप्यूट करोगे, इस स्टार इज कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है, तो देख लो इसी से पता चल जाएगा। देखो 2 star 2 star 1 क्या है, 2 star 1 क्या है, 1 है, तो 1 1 star 2 भी तुम्हारा 1 ही होगा, है ना, 2 star 2 बराबर क्या है, 2 है, तो 2 star 2 2 होगा, 3 star 2 बराबर क्या है, 1 है, तो 2 star 3 भी तुम्हारा 1 ही होगा। तो सब तो तुम मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए क्या चाहिए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए चाहिए, तो वो तो है मेरा सब में, ठीक है।
तो ये क्या ये कॉम्पिटिटिव है? यस इट इज़ कॉम्पिटिटिव। फिर इसको कॉम्प्यूट करने बोला, जैसे हम बनाए बोल उसी तरह कॉम्प्यूट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट डिफाइंड बाय ए स्टार बी बाय ए सी एफ ऑफ एड बी। ठीक है, इज द ऑपरेशन सेम एज द ऑपरेशन डिफाइंड इन द एक्सरसाइज 4 अबव, जस्टिफाई योर आंसर। क्या दोनों ऑपरेशन सेम है? अगर सेम है तो उसको जस्टिफाई करना बोल रहे हैं। तो ए स्टार बी बराबर ए सी एफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए स्टार बी बराबर ए सी एफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए स्टार बी, चलो 2 स्टार 1, 2 और 1 का एस सी एफ क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, 3 3 स्टार 2, 3 और 2 का एस सी एफ क्या है? 1 है, ये भी सही है। उसी तरह 4 स्टार 3 देखो, एस सी एफ क्या? 1 है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो है ए स्टार बी पर ए सी एफ ऑफ ए एंड बी, टेबल क्या है इसी के जैसे बनेगा। क्या दोनों ऑपरेशन सेम है तो लिखेंगे क्या? यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। ले स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी एल सी एम ऑफ ए एंड बी, फाइंड 5 स्टार 7 20 स्टार 16। तो ए स्टार बी बराबर एल सी एम ऑफ ए एंड बी, तो ए स्टार हमको निकालना क्या? 5 स्टार 7। तो 5 स्टार 7, इसका मतलब एल सी एम ऑफ 5 एंड 7। 5 एंड 7 का एल सी एम क्या होता है? 35 होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और क्या निकालना है? 20 स्टार 16। जिस तरफ 5 और 7 कैल्शियम उसे 20 और 16 कैल्शियम लिखोगे। ठीक है, इज स्टार इज कॉम्पिटिटिव, क्या ये कॉम्पिटिटिव है? अब देखो ए स्टार बी का एल सी एम जो होगा बी स्टार ए का, ए स्टार बी का जो एल सी एम होगा बी स्टार ए का भी तो ही एल सी एम होगा ना। ठीक है, तो ए स्टार बी बराबर क्या है? बी स्टार ए, तो ये क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव हो गया। ठीक, ठीक है, इसको अब लिख के बताने का जरूरत नहीं, बिकॉज लिखना है ये ए स्टार बी बराबर एल सी एम ऑफ ए एंड बी एंड बी स्टार ए इक्वल टू एल सी एम ऑफ बी एंड ए। हाँ, तो दोनों दोनों का एल सी एम तो सेम चीज़ है, इसीलिए देयर फॉर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, देयर फॉर इट इज़ कम्यूटेटिव। ठीक है, क्या ये एसोसिएटिव है? स्टार क्या है? एसोसिएटिव है, मतलब इन्वर्टर बंद करो। अब इज स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या चाहिए? ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी बराबर ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो देखो ए बी सी ए स्टार बी, चलो 6 का 3 वाला हम मुंह से कितना बताएंगे, 6 ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी बराबर क्या होगा? ए स्टार, अब बी स्टार सी का पहले इसका निकाल, ब्रैकेट के अंदर काम कर ले रहे। बी स्टार सी मतलब क्या है? एल सी एम ऑफ, एल सी एम ऑफ बी एंड सी हो गया। ठीक है, एल सी एम ऑफ बी एंड सी, तो ए और ए बी सी का जो एल सी एम है उसका साथ, ए का साथ अगर एल सी एम ऑफ बी एंड सी का अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? ए स्टार ए मतलब एल सी एम ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ठीक है, इसका 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 एलसीएम मतलब तीनों का एलसीएम। ठीक है, सिमिलरली लिखना क्या? सिमिलरली, सिमिलरली ए स्टार बी ब्रैकेट
क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो देखो ये भी एलसीएम ए बी सी का, ये भी ए बी सी का एलसीएम है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी ब्रैकेट सी, देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव दिखा दिए, एसोसिएटिव दिखा दिया, फाइंड द आइडेंटिटी। ठीक है, हमको आइडेंटिटी दिखाना है, ये किस में ऑपरेशन है, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी हमको पता करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जो किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने पर है वही एलिमेंट को देता है। तो क्लियरली वो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ए स्टार वन का मतलब क्या है, ए स्टार वन का मतलब क्या है, एल सी एम ऑफ ए एंड वन, ए आर ए वन का एल सी एम क्या हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, उसी तरह वन स्टार ए बराबर भी यही होगा। तो देयरफॉर ए स्टार वन इक्वल टू वन स्टार ए इक्वल टू ए। ठीक है, हमको आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें बोला जाता है, किसी एलिमेंट का साथ उस एलिमेंट का ऑपरेट करने पर। ठीक है, उस एलिमेंट को लेफ्ट साइड या राइट साइड में ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट अगर आता है तो उस एलिमेंट को बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देयरफॉर वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट वन छोड़कर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो वो एलिमेंट अपने आप नहीं आएगा, इसीलिए वन ही क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वन व्हिच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, इसमें कौन से एलिमेंट क्या है इन्वर्टिबल, मतलब किस एलिमेंट का साथ किस एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ किस एलिमेंट को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है, किस एलिमेंट के साथ किस एलिमेंट को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आएगा वो हमको देखना है। तो अब मान लो किसी एलिमेंट के साथ, मान लो ए का साथ बी को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट, वो तभी संभव है, मतलब ए ए बी का साथ ऑपरेट अगर करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी आएगा। ठीक है, और हमको वन छोड़कर किसी के साथ ऑपरेट करेंगे तो वन छोड़कर किसी के साथ मान लो अगर ऑपरेट करेंगे तो तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब क्लियरली वन वन स्टार वन बराबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ वन एंड वन, मतलब क्या होता है, एलसीएम ऑफ वन वन ही होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट और कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ ऑपरेट करने उसका इन्वर्स का साथ ऑपरेट करने पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और कोई एलिमेंट नहीं है, और कोई भी एलिमेंट तुम देख लो उसका इन्वर्स के साथ करके आएगा, नहीं आएगा। तो देयरफॉर वन इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ऑफ एन ओनली वन लिखें, देयरफॉर ओनली वन ओनली ओनली वन इज इन्वर्टिबल ऑफ एन। ठीक है, वन वन ही का जो है इन्वर्टिबल हो सकता है और किसी एलिमेंट का नहीं है। ठीक, बस इसको कल इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, ओके।